And welcome to another lecture for standard 11 chapter 3. It's classification of elements and periodic trends. Today we are going to discuss answer to the exercise question from this chapter. Exercise ke kuch questions jo hai usko hum discuss karenge. Already hum 20 questions notes ke form mein discuss kar chuke hain. Assignment aapko provide kiya gaya hai. आज बाकी बचे 20 क्वेश्चन 21 टू 40 क्वेश्चंस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 21 इन योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. क्वेश्चन 21 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज. द क्वेश्चन इज वुड यू एक्सपेक्ट दिस सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एज पॉजिटिव और मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव देन द फर्स्ट. जस्टिफाई योर आंसर. Expect to electron gain enthalpy or expectation to the electron gain enthalpy of oxygen, but which electron gain enthalpy? Second electron gain enthalpy, whether it is more positive or positive or more negative, positive, more negative और लेस नेगेटिव. इन शॉर्ट उन्होंने पूछा ये है कि ऑक्सीजन में हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है. बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कैन कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ऑक्सीजन को अपनी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए 1 by 1 दो इलेक्ट्रॉन गेन करने. ये जो दो इलेक्ट्रॉन गेनिंग करने की जो प्रोसीजर गेन करने की जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहला इलेक्ट्रॉन जब एंटर होता है जब गेन होता है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इट इज -141 किलो जूल पर मोल. -141 किलो जूल पर मोल जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी रेफरेंस के तौर पर दी गई है एज एन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन फॉर द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. लेकिन जब वो पहला इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है ऑक्सीजन एटम में तब वो ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट हो जाता है मोनोवेलेंट आयन O माइनस. ये जब ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद अगर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और वो ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना है O2 माइनस में तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाती है +780 किलो जूल पर मोल. 780 ये क्या इंडिकेशन है? लेट्स सी. फिर से ऑक्सीजन उसका एटॉमिक नंबर है 8. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p4 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल. दो इलेक्ट्रॉन 1s में दो 2s में 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे ड्यूप्लिकेट फॉर्म में. ये ऑक्सीजन का एटम है. जब ये ऑक्सीजन एटम एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा इट विल चेंज टू ऑक्साइड आयन O माइनस. ये एक इलेक्ट्रॉन जब एंटर होगा तो यहां एंटर हो जाएगा एंड एट दैट टाइम जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है डेल्टा एच ई जी उसकी वैल्यू -141.0 किलो जूल पर मोल है. जब ये एक इलेक्ट्रॉन एंटर हो जाने के बाद अब कॉन्फ़िगरेशन कुछ ये कंडीशन में आ गई है कि 2p ऑर्बिटल में अब इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4 और इसमें एक बचे इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहां ऐड हो गया. अब ये O- आयन की कॉन्फ़िगरेशन अब ये O- आयन एक और इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा. ये एक और इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद O2- में कन्वर्ट हो जाएगा तब उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने के बाद वो ऑब्जर्व करी गई है विच इज +780 किलो जूल पर मोल. इसका मतलब ये है कि जब उसकी ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड हो जाती है ऑक्टेट फिल्ड होने के लिए जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन मुश्किल से एंटर होगा. यहां पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा. रिपल्शन की वजह से हमको अगर ये इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो इसको जबरदस्ती से ऐड करना पड़ेगा जबकि यहां पर माइनस वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इंडिकेट्स इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जबकि प्लस वैल्यू जो है वो क्या इंडिकेट करती है इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट के तौर पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए 780 किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड रहेगी.
सो इसका आंसर जो है वो कैसे लिखना है, ये तो था एक्सप्लेनेशन अबाउट क्वेश्चन नंबर 21। द आंसर इज, सबसे पहले आप ये दो इक्वेशन लिखोगे, जहां पर पहले के लिए एंथैल्पी होगी -141.0 किलो जूल पर मोल और दूसरे के लिए 780। अब आंसर ये तरीके से लिखना है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज नेगेटिव, ये देख सकते हो नेगेटिव, बिकॉज एनर्जी इज रिलीज व्हेन अ गैसियस एटम, व्हेन अ गैसियस एटम, ये ऑक्सीजन जो था ये गैसियस एटम है, व्हेन अ गैसियस एटम रिसीव्स और एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, जब कोई गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन रिसीव या एक्सेप्ट करता है तो वो मोनोवेलेंट एनायन का फॉर्मेशन करता है, और ये जो मोनोवेलेंट एनायन का फॉर्मेशन हुआ उसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है विच इज -141.0 किलो जूल पर मोल। जब ये मोनोवेलेंट आयन बन गया उसके बाद अगर एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है तो उसको कहते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन वो जो है वो एनर्जी रिलीज होने के बजाय एब्जॉर्ब हो रही है विच इज +780 किलो जूल पर मोल बिकॉज ऑफ द रिपल्शन अकर्स, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिपेल करते ही चला और उसकी वजह से ये जो है वो +780 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी अवेलेबल हो रही है। जल्दी से इसको क्वेश्चन कॉपी कर लो और ये लिख लो, इसकी डिटेल नोट्स स्टेटमेंट वाइज मैं लेक्चर के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें से आपको इसको लर्न करना है, लिखना भी है, पर इसके भी एक नोट्स बनाते जाओ जो हम एक्सप्लेनेशन में यूज कर रहे हैं। What is the basis difference or basic difference between the term electron gain enthalpy and electronegativity? Difference between electron gain enthalpy and electronegativity. As the term suggested, electron gain enthalpy is amount of energy required for the isolated gaseous atom, to be enter one electron into the outermost orbit. कोई भी isolated gaseous atom की outermost orbit में एक इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है उसके लिए जो अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चाहिए दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए होता है। जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी ऑफ अ एटम टू अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जब दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे प्रोड्यूसेस अ बॉन्ड। बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, यहां पर दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है लेकिन हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होता है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पेयर इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, और जिसकी वजह से हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, नॉट अ कंप्लीट, इट्स अ पार्शियल चार्ज, और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स द इटसेल्फ, मतलब कोई भी एलिमेंट की बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, that is electronegativity. So it's a difference between electron gain enthalpy and electronegativity. Let's see how to write the answer. Electron gain enthalpy refers to a tendency of an isolated gaseous atom, as I mentioned. Electron gain enthalpy ek isolated gaseous atom ki tendency hoti. Again, electron gain enthalpy refers to the tendency of an isolated gaseous atom to accept additional electron to form a negative ion. क्लोरीन जब एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है तो इसको इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। वेयर एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्डिंग में
कोई एलिमेंट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर जो खींचने की टेंडेंसी रहता है, दैट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर दैट एलिमेंट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन इन द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 23। What is the okay? How would you refer or how would you react to the statement the electronegativity of nitrogen on Pauling scale is 3 in all the nitrogen compound? Pauling scale electronegativity 3, Pauling scale पर nitrogen की electronegativity 3 है। रिएक्ट करें ये स्टेटमेंट पर। इसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट दिया, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है इन ऑल इट्स कंपाउंड, हर एक कंपाउंड में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 कंसिडर की जाती है ऑन पाउलिंग स्केल। पाउलिंग स्केल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो 3 दी गई है, इट इंडिकेट्स दैट इट इज हैविंग हायर इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर। मतलब नाइट्रोजन का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर जो है वो इससे ऊपर के समय था कि नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इन ऑल द कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इट इज शोइंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। नाइट्रोजन के हर एक कंपाउंड में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पाउलिंग स्केल में 3 हो, ये नेसेसरी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली इट इज एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हम जानते हैं कि वो उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, लेकिन हर एक कंपाउंड में वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही कैरेक्टर पसेस करके इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। ये नेगेटिविटी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ये जो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का मतलब क्या है, दैट वी विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो हमारा इसके बाद वाला चैप्टर है, थर्ड चैप्टर के बाद, केमिकल बॉन्डिंग में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इट इज डिपेंडिंग अपॉन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। जैसे जैसे कोई कंपाउंड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। मतलब नाइट्रोजन अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp हाइब्रिडाइज्ड है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। sp3 में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 25% होता है, sp2 में 33.3% और sp हाइब्रिडाइजेशन में ये 50% होता है। ये हाइब्रिडाइजेशन वगैरह क्या है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में, लेकिन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो यहां से पता चल जाता है कि उसके पाउलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 असाइन करी गई है, लेकिन नाइट्रोजन के हर एक कंपाउंड में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती, ये इंक्रीज या डिक्रीज डिपेंड करती है उसके परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पर, उसके हाइब्रिडाइजेशन पर। हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर दैट वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग, लेकिन इट्स ऑनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पर डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट आई एम मूविंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस 24, डिस्क्राइब द थियरी एसोसिएटेड विद द टर्म रेडियस ऑफ एन एटम एज इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन और लूज एन इलेक्ट्रॉन। 24 नंबर क्वेश्चन, नंबर 24 फ्रॉम द एक्सरसाइज। Question number 24 for the exercise. Describe the theory associated with the radius of an atom. Radius of an atom when it loses electron and it gains electron. Sodium apni outermost orbit se जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट चेंजेस टू सोडियम आयन कैशन। सोडियम का ये जो आयन है उसकी रेडियाई, आयोनिक रेडियाई 95 पिकोमीटर, जबकि
सोडियम एटम उसका एटॉमिक रेडियाई जो है इट इज 186 पिकोमीटर। ये इंडिकेशन आपको समझ ही आ गया होगा कि भाई ये 186 पिकोमीटर है, ये 95 मतलब कोई भी पैरेंट एटम्स है उसका जो कैशायन का फॉर्मेशन होता है उसकी साइज हमेशा छोटी ही होती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं टॉपिक Na का रेडियाई जो है रेडियाई ऑफ Na R ऑफ Na इज ग्रेटर देन R ऑफ Na प्लस हमेशा। मतलब कोई भी कैशायन की कंपैरिजन में उसका जो पैरेंट एटम है उसका रेडियाई हमेशा ज्यादा होगा। बट ऑब्वियस अगर मैं इट्स ऑब्वियस अगर मैं सोडियम एटम ड्रॉ कर रहा हूं न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट एंड थर्ड ऑर्बिट तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 281। जबकि मैं सोडियम का आयन बना रहा हूं तो न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट द रीजन इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेंस एज ओनली 2.8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया वो ऑर्बिट ही चेंज हो गई मतलब उसका रेडियाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। सो कंपेयर टू पैरेंट एटम कैशायन की साइज हमेशा छोटी होगी। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग गेन कब कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है जैसे कि केस ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2.7 बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन द कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस टू 2.8 बिकॉज़ ऑफ एंटरिंग द इलेक्ट्रॉन। ये ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है फ्लोरीन के लिए। अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के अंदर एंटर हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा। दो इलेक्ट्रॉन एक घर में रह सकते हैं रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन की वजह से ये ऑर्बिट जो है वो एक्सपांड होती है और ऑर्बिट एक्सपांशन की वजह से हम कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज ग्रेटर देन ऑफ रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम। मतलब जो एनायन होगा उसकी साइज हमेशा अपने पैरेंट एटम से बड़ी होगी और जो कैशायन होगा उसकी साइज हमेशा अपने पैरेंट एटम से छोटी होगी। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारी लिस्ट में था 21, 22, 23, 24 के लिए। आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी के डिटेल सॉल्यूशन आपको मैं शेयर कर रहा हूं नोट्स में जो भेज जाएगी ये लेक्चर के साथ। लर्न करके अप टू डेट लिखना है इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन 25। वुड यू एक्सपेक्ट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ टू आइसोटॉप्स ऑफ द सेम एलिमेंट टू बी द सेम और डिफरेंट जस्टिफाई योर आंसर। आयोनाइजेशन enthalpy of two isotopes of same atom would be the same or different justify भाई सेम होगी या डिफरेंट होगी ये बताओ। दो isotope फॉर एग्जाम्पल मैं ऑक्सीजन के लिए दो isotope डिस्कस कर रहा हूं O8, 16, 18 ऑक्सीजन के दो आइसोटॉप जिसमें उनके एटॉमिक नंबर 88 सेम है लेकिन एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट। नाउ व्हाट आर द कॉल्ड आइसोटॉप सेम आइसोटॉप्स आर दोस स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ये एटॉमिक मास का डिफरेंस जो है इट इज ड्यू टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं उसके बेसिस पर इनको आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स आर दोस स्पीशीज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। इसकी समरी ये है कि इसमें प्रोटॉन 8 है इसमें इलेक्ट्रॉन 8 है इसमें न्यूट्रॉन भी 8 है। जबकि ये केस में प्रोटॉन 8 है इलेक्ट्रॉन 8 है लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो 10 है और इसलिए उनका एटॉमिक मास 18 है। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम है और अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो उसमें डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और न्यूक्लियर चार्ज। मतलब न्यूक्लियस में जो चार्ज प्रेजेंट होता है उस पर डिपेंड करती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। चार्ज जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ही होता है। अब देख सकते हो कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियर चार्ज भी सेम होगा। इसका मतलब यह है कि भले वो दो डिफरेंट आइसोटॉप्स है लेकिन आयोनाइजेशन एंथैल्पी दोनों की ही सेम रहेगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25। जल्दी से इसको कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं।
ये था 25 नंबर क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन जो है वो उसका सेकंड पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।